तो 2 weeks या फिर 14 days या फिर 336 hours बाद में वापस आ चुका अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। एंड गाइस आज फाइनली दिन आ चुका जब हम बनाएंगे अपने वर्ल्ड में एक एमरल्ड बीकन। हाँ मुझे पता ये बात मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो में बोली थी, बट कोई ना लेटेस्ट से कम से कम हम लोग बना तो रहे हैं। एंड हाँ हमारे 300 million क्या बोल रहा हूँ मैं। एंड गाइस हम 300 के बहुत ज्यादा करीब है, तो अगर तुम तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे पैसे वगैरह थोड़ी ना करते। वेल अगर तुम नए हो तो मैं आपको बता दूं हम एमरल्ड बीकन बनाएंगे अपनी एमरल्ड की फैक्ट्री की हेल्प से। चलो ऐसे समझाने की जगह मैं आपको डायरेक्टली वहीं लेके चलता हूँ। ओ नो भाई साहब, वाटर एमएलजी ओपी। भाई साहब मेरे कारनामे को देख रहे हो तुम लोग, बिना इलाट्रा पहने मैंने पहाड़ से जंप लगा दी। एंड ये जो चुन्नू मुन्नू सा बीकन देख रहे हो मेरे सामने, इसी को मैं एमरल्ड बीकन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। वैसे थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि हमारे वर्ल्ड का सेकंड बीकन था। चलो मैं आपको डायरेक्टली उस फैक्ट्री में लेके चलता हूँ। ओ नो लगता है मैं रास्ता भूल चुका हूँ, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। ओ भाई साहब ये इधर पे, उस टाइम से मैं समुद्र के ऊपर घूम रहा हूँ एंड ये मेरे को बोल भी नहीं सकता। ओके तो मैं अपनी एमरल्ड की फैक्ट्री में आ चुका हूँ एंड जब मैं यहाँ पे तो यहाँ का बॉडी गार्ड भी तो यहाँ होना चाहिए। अरे ये देखो ये रहा यहाँ पे, बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे ट्रैप कर रखा है। एंड इस फार्म के इस वाली खतरनाक जगह पे यहाँ पे मेरे मैनेजर का घर, एंड वो देखो पत्तों के बीच छुपा हुआ है। एंड बेचारा विलेजर में इसको पिछले एपिसोड में यहाँ पे लेके आया था एंड उस टाइम से यहीं पे है एंड यही इसका घर है, ये यहीं पे खाता पीता और सोता है एंड शायद से सुसु भी यहीं पे करता होगा। ओ नो लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं इस पत्ते को वहाँ पे प्लेस नहीं कर पा रहा क्योंकि इस विलेजर का डब्बा जैसा सर बीच में आ रहा है। वेल वो काम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि है ये। एंड एक बार इस सामान को देखो सिर्फ कितना सारा है एंड ये से मेरे को 2 raids से ही मिला है। वेल माइनक्राफ्ट की मैथ के हिसाब से मुझे एक एमरल्ड बीकन बनाने के लिए 164 ब्लॉक ऑफ एमरल्ड चाहिए। सो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इतने सारे एमरल्ड फार्म से इकट्ठा करने में। तो ये जो आप शीशे के अंदर कैप्टन देख रहे हो इसको मारने से मेरे को बैड ओमन वाला इफेक्ट मिलेगा एंड इसी की वजह से हमारी रेड चालू होगी। एंड इस फार्म को एक्टिवेट करने के लिए मेरे को सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाने से हमारी रेड चालू होगी। एंड देखो ऊपर बैठे हुए हमारे मैनेजर के हेल्प से यहाँ पे रेड चालू हो चुकी है एंड अब यहाँ पे बहुत सारे रेडर्स आएंगे जिनको मार के मुझे बहुत सारा एक्सपी मिलेगा और साथ साथ एमरल्स भी। एंड बेचारा मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड शायद से रेड खत्म हो गई, यस हो गई, मुझे हीरो ऑफ द विलेज वाला इफेक्ट मिल चुका है। एंड फिर जो भी इन प्लेजर्स की लूट होगी वो सारी की सारी नीचे चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगी जो कि यहाँ पे हो रही है। एंड मेरे पास टोटम देखो कितने सारे हैं। वेल अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं मैं हार्ड डिफिकल्टी में खेल रहा हूँ, इसलिए मेरे को सिर्फ एक ही रेट से 5 टोटम मिल रहे हैं। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली आगे दिखाता हूँ। ओ भाई साहब कितनी भसड़ मचा दी तुम लोगों ने अंदर। चलो रात हो गया मैं सो जाता हूँ यहाँ पे। एंड ओ भाई साहब एमएलजी करने से मैं बच गया, लेकिन कोई बात नहीं अगली बार पक्का हो जाएगा। अरे भाई साहब कम से कम चैन से सोने तो दो तुम लोग। इस जॉम्बी को देखो जरा, सस्ता सा चेन आर्मर लेके यहाँ मेरे को मारने आ रहा है। तो गाइस ये काम करने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आगे दिखाता हूँ। One eternity later. Okay guys, finally 1.5-2 hours की grinding के बाद मेरे पास finally यहाँ पे emeralds हो चुके हैं जो कि sulker box के अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई कितने सारे emeralds हैं ये। एंड जो आप पीछे चेस्ट देख रहे हो इसमें फालतू का सामान रखा हुआ है। फिलहाल आप इस वाले चेस्ट को देखो, इसमें इतना सारा सामान है ना मैं लिटरली माइनक्राफ्ट का अंबानी बन चुका हूँ। वेल गाइस इस रेड फार्म से मेरे को बहुत सारा टोटा मिला लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है। एंड यहाँ देखो कितना सारा टोटा फोटा आर्मर मिला मेरे को इस रेड फार्म से, वैसे मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से एक नेदरराइट आर्मर है। और ये जो सैडल वाली चेस्ट है यहाँ पे मैंने बहुत सारा सैडल और क्रॉसबो रखा हुआ है, वैसे सैडल मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन इतने ज़्यादा ग्राइंडिंग के बाद फाइनली मेरे पास एमरल्ड्स हो चुके हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता इनफ है कि नहीं है। एंड एक बार तुम टोटम देखो सर, मेरे पास इतने सारे टोटम हो चुके हैं ना, वैसे सारे के सारे टोटम मेरे लिए फालतू है क्योंकि मैं इनको कभी यूज़ नहीं करने वाला। वेल अगर तुम में से किसी को टोटम चाहोगे तो मेरे पास आ जाना, मैं डिस्काउंट और GST लगा के 101 Ember में तुम्हें दे दूंगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एंड गाइस इस फार्म के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करी है जो कि कभी कभी प्लेजर कैप्टन नीचे स्पॉन होता ही नहीं है। एंड ये तो आप सब जानते हो कि अगर मैंने प्लेजर कैप्टन को नहीं मारा तो हमारी रेड चालू नहीं होगी क्योंकि हमें उससे बैड होने वाला इफेक्ट मिलता है। सो उसको स्पॉन कराने के लिए मेरे को यहाँ से टोटल 300 blocks दूर जाना पड़ता था एंड जब मैं यहाँ पे वापस आता था तो मेरे को यहाँ पे मिल जाता था। चलो अब जब हम माइनक्राफ्ट के अंबानी बन चुके तो एक टोटम को यूज कर ही लेते हैं। तो मैं लगाऊंगा यहाँ से जंप हुई प्लेजर के सर के ऊपर। ओ भाई पहली बार ऐसा कि मैंने टोटम को ऐसे फालतू में खर्च किया। एंड लगता है इस प्लेजर को मार खाने का बहुत बड़ा शौक है इसलिए तो मेरे पास आ रहा है। अरे उसको देखो जरा भाई साहब प्लेजर कैप्टन, मैं उस टाइम से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड अब जाके स्पॉन हो रहा है। एंड मैंने चाहते मेरे हाथों से मर जाए क्योंकि अगर मैंने इसे मार दिया तो मेरे को बैड ओमन वाला इफेक्ट मिल जाएगा। और हाँ ऊपर जो हमारा मैनेजर बैठा हुआ है उसको उसकी सैलरी भी तो देनी है। एंड ये रहा उसका पत्तों वाला घर जहाँ पे मेरे को आराम से लैंडिंग करी है जो कि हो गई। और हाँ मैं जानता हूँ मैंने इसे अपनी 64 एमरल्स में की थी लेकिन मैं इसको एमर का ब्लॉक दे रहा हूँ क्योंकि इस बेचारे विलेजर ने तो कभी भी एमर का ब्लॉक अपनी जिंदगी में देखा नहीं होगा और उल्टा सारा काम मैंने यहाँ पे खुद किया है। ये विलेजर तो यहाँ पे मस्त सो रहा था। फिलहाल चलो इस विलेजर के मुंह लगने से बढ़ रहा तो हम अपने घर चलते हैं क्योंकि हमें बनाना अपने घर अपना एमर का बीकन।
एंड अब जब हम इतना महंगा बीकन बनाए रहे तो उसको रखने के लिए एक महंगी जगह तो होनी चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको रखने के लिए हम एक महंगा सा स्टैंड बनाते हैं। ओके, तो मैंने जगह को पूरा फ्लैट कर दिया है जहाँ पे हम अपना एम्बर का बीकन रखेंगे। एंड वैसे व्हाट, ये शीप है ना? अरे वो तो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है शीप है, लेकिन क्या पिंक शीप है? वेट अ सेकंड, मुझको पता करने दो। गाइस लिटरली हमको कभी भी यकीन नहीं हो रहा, हमें माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द रेयरेस्ट मॉब मिला है। भाई साहब इसके स्पॉन होने के वैसे चांस कितने? मेरे ख्याल से वैसे बहुत ज्यादा रह रहे हैं। चलो मैं नहीं चाहता डिस्पॉन हो जाए, इसलिए मैं इसको अपनी बोट पे बैठा के अपने घर लेके चलता हूँ। वैसे थर्ड टाइम है जब मेरे को पिंक शीप मिला, वो भी माइनक्राफ्ट में। इससे पहले के दो पिंक शीप मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करते समय मिले। लिटरली माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट मॉब हमारे वर्ल्ड में मेहमान बन के आया है, एंड जब ये आ चुका है तो चलो हम इसकी खातिरदारी करते हैं। ओके माइनक्राफ्ट के रेयरेस्ट भाई साहब, आप यहाँ पे रहो जब तक मैं आपको छुड़ा नहीं देता यहाँ से। फिलहाल मैं आपको अगले वाले एपिसोड में यहाँ से लेके चलूंगा, तो चलो मैं आपको डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा स्टैंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा स्टैंड बिल्कुल रेडी हो चुका जो कि है ये। एंड अब बारे आ गई इसके ऊपर अपना एमरल का बीकन खड़ा करने की। तो ये रहे हमारे वो एमरल जो हमें पिलेजर्स की धुलाई करने से मिले हैं। एंड चलो मैं एक एक करके इन सबको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने सारे के सारे एमरल्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है, एंड अब मैं इनकी एक एक क्लियर यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। ओ भाई साहब, गाइस लिटरली मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना अंदर से, मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं इस वर्ल्ड में अपना एमरल का बीकन बनाऊंगा। तो ये रहे हमारी सेकंड वाली लेयर जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एंड ये रहे हमारी थर्ड वाली लेयर, एंड ये रहे हमारी लास्ट वाली लेयर जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एंड देखो जरा हमारे पास 8 ब्लॉक्स ऑफ एमरल्स एक्स्ट्रा बच गए हैं। एंड ये लगा हमारा बीकन, भाई साहब कितना सही लग रहा है ये। ओ भाई साहब ये लिटरली ओपी लग रहा है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। तो ये रहा मेरा ग्लास प्लेन, एंड इसको मैं यहाँ पे बीकन के टॉप में लगा देता हूँ। एंड ये काम क्यों नहीं कर रहा? ओके कर रहा है ये काम, तो हमारे यहाँ पे बीकन पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड आप कमेंट सेक्शन में इस बीकन को 10 में से रेटिंग देना। एंड ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा 64 एमरल्स बचे ये मैं किसी को दान करके आता हूँ। बेचारे विलेजर्स, मैंने इनको उस टाइम से यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, एंड कुछ कर भी नहीं सकते। भाई साहब एक बार उस निठल्ले विलेजर को देखो कैसे आराम से वहाँ पे चिल कर रहा है, एंड एक बार इस विलेजर को देखो मेरे को 15 एमरल्स में एक बुक दे रहा है। अरे भाई साहब भीख मत मांग मेरे सामने, ये ले मैं तुमको 64 एमरल्स दान कर देता हूँ। भाई साहब इस विलेजर को देखो जरा, मैं इसको एक स्टक एमरल्स दे रहा हूँ लेकिन फिर भी इसको मेरे से ट्रेडिंग करनी है। अरे इन लोगों को सोने का कटोरा क्यों नहीं दे दो, इन लोगों ने लास्ट में भीख ही मांगनी है। वेल जब ये मुझसे इतनी जीत कर ही रहा है तो मैं इसे एक बुकशॉप ले लेता हूँ। वेल अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 मैक्स बीकन हो चुके हैं, एक हमारा एमरल वाला बीकन और दूसरा हमारा मिक्स वाला बीकन जिसमें मैंने सारे ब्लॉक्स का यूज़ किया है। हाँ वो अलग बात है कि मैंने नेदरराइट ब्लॉक का यूज़ नहीं किया। और जो गाइस अगर आपको मेरे साथ चैटिंग या फिर कॉल पे बात करनी तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। एंड जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।